दिवस था। कौन सा दिवस था? कल महिलाओं के ऊपर होने वाले हमला, वो घर हो या सड़क हो या ऑफिस हो जहां भी हो, आजकल पूरा दुनिया भर महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है। इसके खिलाफ एक सर्वदेश दिवस और 10 दिन में विभिन्न प्रोग्राम, वो पूरा दुनिया भर हो रहा है। हमारे देश में क्या स्थिति है हम देख रहे हैं। कामकाजी महिला हो या घर में रहने वाले हो या कुछ ऑफिस में काम करने वाले हो या कुछ सड़क पर बेचने वाले हो, कोई भी हो, महिलाओं के ऊपर अभी भी हमला हो रहा है। इतने साल हुआ आजादी के बाद, आज भी महिलाओं के ऊपर, हमारे महिला, वो आंगनवाड़ी हो या पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले हो या कोई डिपार्टमेंट में कैजुअल वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कोई भी काम करने वाले हो, उनके मांग पर कोई सोचने वाले नहीं है, उनके ऊपर हमला हो रहा है। इस हमला के खिलाफ इस देश पर सीआईटी के लाल झंडा लेके हमारे कामकाजी महिला का कमिटी बना के हम संघर्ष कर रहे हैं। हजारों हजारों मजदूरों, कामकाजी महिलाओं, पूरा देश पर हम संघर्ष में है। यहाँ अंडमान में भी सीटू के झंडा लेके, सीटू के बैनर के नीचे हम पूरा, अभी इतने महिला साथियों आए हैं, ये पूरा साथियों को और बाकी सबके लिए हम लड़ेंगे, यही है। और अंत में ये भी बताना चाहता हूँ, हम सीटू के ओर से, हम सीटू ऐसा करेंगे ऐसा नहीं है, पूरा मजदूर वर्ग, इसलिए ही पूरा सेंट्रल ट्रेड यूनियन, वो IMTUC का हो या ATUC का हो या ICCTU का हो, कोई भी संगठन हो, इस देश के सभी मजदूरों को, वो जो संगठन को हो, वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो या प्राइवेट में या पब्लिक में या कोऑपरेटिव में या असंगठित क्षेत्र में या संगठित क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हो, सभी मजदूरों को एक साथ होके ये नीतियों के खिलाफ, ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, हमारे लिए, मजदूरों के लिए, उनके मांग के लिए हम संघर्ष करना है। इस संघर्ष में मजदूरों के साथ हमारे किसान नेता भी यहां बैठे हैं। पूरा देश भर आज हुए ये प्रोग्राम के लिए 2 दिसंबर में पूरा मजदूरों ये किसानों के साथ हम आवाज देंगे। किसानों के लिए मजदूर, मजदूरों के लिए खिलाफ, किसान हो, खेत मजदूर हो, हमारे मजदूर हो, ये पूरा एक साथ होके हम लड़ना है, वो लड़ाई आगे हम ले लेंगे। पिछले सितंबर, 5 सितंबर को दिल्ली में हजारों हजारों किसानों या मजदूरों एक साथ होके हमने एक कन्वेंशन किया। आने वाले बजट के टाइम पर अप्रैल महीने में बजट का सेशन होगा पार्लियामेंट का, उस समय दिल्ली में मजदूर, किसान, खेत मजदूर एक साथ होके ये तीनों संगठनों, CITU, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन, ये तीनों एक साथ मिलकर इस सरकार के नीतियों के खिलाफ बजट के टाइम पर हमने संघर्ष करेंगे। एक ही इंफॉर्मेशन आपको देके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ये सरकार बजट तैयार करते हैं ना, ये बजट के लिए बहुत साल से एक नीति है, पूंजी लोगों का एक दिन बुलाएंगे, उनके बाद उनसे डिस्कस करेंगे, ट्रेड यूनियन को बुलाएंगे, डिस्कस करेंगे, और बाकी सब अलग अलग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं कौन कौन क्या क्या ग्रुप है, वो उनको बुला के फाइनेंस मिनिस्टर डिस्कस करने का एक प्रोग्राम बहुत साल से है। एक चिट्ठी CITU ऑफिस में 2 दिन के पहले आए हैं। कोरोना तो चले गए लेकिन बजट के बारे में ट्रेड यूनियन के साथ डिस्कस करने के लिए एक ऑनलाइन मीटिंग होगा। ओके, ऑनलाइन कितने टाइम? कुल मिला के 1 घंटे 15 मिनट, 75 मिनट्स, 12
ट्रेड यूनियन है। 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन को कुल मिला के 75 मिनट्स दिए हैं ऑनलाइन में। बजट के बारे में हम क्या बोलना चाहते हैं वो बोलने के लिए आज एक डिटेल्ड नोट आए हैं। इसमें हर संगठन को 3 मिनट मिलेगा। 3 मिनट में हमारे महामंत्री या अध्यक्ष ऑनलाइन में 3 मिनट में बजट के ऊपर सीटू के ओर से और 3 मिनट में AITUC से और 3 मिनट में AICCTU से ये सभी ट्रेड यूनियन को 3-3 मिनट मिलेगा। यह है सरकार, यह सरकार 3 मिनट में बजट के ऊपर इस देश के। यह कौन है? हम भी हम हैं। पूरा फैक्ट्रियों में खेत में पूरा कौन मेहनत करने वाले कौन? इस देश का पूरा असेट कौन बनाते हैं? वेल्थ क्रिएटर, मोदी ने बताया वेल्थ क्रिएटर कौन है? अंबानी अदानी वेल्थ क्रिएटर है। मजदूर वेल्थ क्रिएटर, मजदूर पूरा देश के पूरा मजदूर एक दिन नहीं एक घंटे अपने अपने काम को बंद करके एक घंटे पूरा देश पर करोड़ों मजदूरों एक साथ होके एक घंटे काम को बंद करने में इस देश क्या होगा आपको मालूम है? लेकिन दिल्ली में रहने वाले उन लोगों को ये समझ में नहीं आते हैं। उनको सिखाने के लिए आने वाले दिनों में हम संघर्ष करेंगे पूरा मजदूर वर्ग एक साथ होके, हमारे साथ किसानों को खेत मजदूरों को लेके हम संघर्ष करेंगे। वो संघर्ष के लिए अभियान आने वाले दिनों में पूरा देश भर करेंगे। आज देश भर करने में अंडमान निकोबार द्वीप में हम क्या क्या करना है इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे और बाकी सब हमारे कॉन्फ्रेंस के बाद हम बताएंगे क्या निर्णय हम ले रहे हैं। आप सबको सीटू के केंद्र कमेटी की ओर से हम बधाई देना चाहता हूं। बधाई को साथियों बधाई। थैंक यू। இன்னைக்கு நம்முடைய அந்தமான் அந்தமான் நாம திரங்கா பார்க்ல கான்ஃபரன்ஸ், அதாவது மஜ்தூர் சங்கத்தில் அவங்களுடைய கான்ஃபரன்ஸ் 9வது அதிவேஷன் வந்து இங்கே நடக்குது. இன்னைக்கு ஓப்பன் செஷன். இவங்களோட அதிவேஷன் வந்து 2 நாள் நடக்கும். சிஐடியு மூலமாக சென்ட்ரல் இந்தியன் ட்ரேட் யூனியன் இங்கே உள்ள அரசாங்க இதில் வேலை பார்க்குற எல்லா மஜ்தூர்களும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்காங்க. இது வருஷ வருஷம் நடக்கிறது. இன்னைக்கு உள்ள நிலைமைக்கு வந்து உழைப்பாளிகள் வர்க்கத்திலையும் அதே மாதிரி பல அரசாங்கத்துறையில் வேலை பார்க்குற ஊழியர்களுடைய நிலைமை வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து மோசமாகிட்டே இருக்குது. ஏன்னா உழைப்பாளர்கள் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், இன்னைக்கு வந்து உழைக்கிறவங்களோட டைம் 8 மணி நேரம் தான். ஆனால் இந்த அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா வரப்போகிற காலகட்டத்தில் 12 மணி நேரம் ஆக்கிறதுக்குள்ள எல்லா நடவடிக்கையும் எடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்க. நிரந்தர வேலை கிடையாது. எங்கே பார்த்தாலும் டெய்லி ரேட்டட்லேயும் கான்ட்ராக்ட்லேயும் இந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க. அந்தமான பொறுத்த வரைக்கும் வேலை வாய்ப்புங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தில் போய்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி, APWD, STS, மெரின் டிபார்ட்மெண்ட், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் இன்றைக்கி வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா யாருக்குமே நிரந்தரமான வேலையே கிடையாது. எல்லாரும் கான்ட்ராக்ட்லேயும் டெய்லி ரேட்டட்லேயும் இன்றைக்கி விற்கிற விலைவாசியை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கம்மியான ஒரு சம்பளத்தில் தான் எல்லாம் வேலை வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இங்கே வந்து அதை கேட்குறதுக்கு யாரும் இல்லை. சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா 15,000, 18,000 நல்ல டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃபே வந்து வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு 15,000, 18,000 இந்த மாதிரி தான் வந்து சம்பளம் கிடைக்கிது. அதுவும் என்ன பண்ணாங்கன்னா மேக்ஸிமம் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அவுட் சோர்சிங்கில் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதெல்லாம் 8 போராடுறதுக்கு தான் வந்து இந்த சிஐடியுங்கிறது வந்து எல்லா உழைக்கும் வர்க்கத்தெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து வந்து ஒரு அதிவேஷன் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. வரப்போகிற காலகட்டத்தில் இதை எய்த்து ஒன்றுபட்டு நம்ம போராடணுங்கிற எண்ணத்தோடு இன்றைக்கி உள்ள ஆதிவாசி வந்து
மயிலிலிருந்து ஏ கே பத்மநாபன் வந்திருக்காரு, தொழிற்சங்க தலைவர். இப்போ அவருடைய தலைமையில் தான் வந்து இன்னைக்கு இந்த ஓப்பன் செஷன் நடக்குது. நாளைக்கும் வந்து இதனுடைய தொடர்ந்து இது நடத்த போகிறாங்க. இதை பற்றி உண்மையிலே இப்போ சிஐடி தலைவர்கள்லாம் வந்து அங்கே உட்கார்ந்துருக்காங்க. மேற்கொண்டு விவரத்தை வந்து நீங்கள் அவங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம். நானும் வந்து தொழிற்சங்கத்தில் வந்து சேர்ந்து இருக்கிறதுனால ஒரு சில தகவல்கிட்ட உங்கள்கிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். ஆனால் வரப்போகிற காலகட்டத்தில் எல்லாருமே வந்து ஒன்றும் சேரலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய எதிர்காலங்கிறது ஒரு இருட்டறை தான் ஆகிடும். அதனால் உழைக்கும் வர்க்கங்கள், தொழிலாளிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அவங்களுடைய உரிமைக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்துருச்சு. எல்லாருமே அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் போகிறதுனால அரசாங்கங்கிறது அவங்களுடைய முதலீடு. இன்னைக்கு உள்ள அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா முதலாளி வர்க்கத்துக்கு தான் துணை போவதை தவிர உழைக்கும் வர்க்கத்துக்கு வந்து துணை போக மாட்டேங்கிறாங்க. அதனை எடுத்து குரல் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி சிஐடி தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியிலேருந்து உள்ளவங்க வந்து இதை பற்றி எடுத்து குரல் கொடுக்குறாங்க. பல அரசியல் எது இருக்குது, இருந்தாலும் முழு மூச்சா தொழிலாளர்களுக்காக குரல் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த சிஐடி தான். நெக்ஸ்ட்டு சிபிஎம் பார்ட்டி தான் இங்கே உள்ள இதுக்கு வந்து குரல் கொடுத்து அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை நிரந்தரமாக பண்ணு அப்படிங்கிற முயற்சியில் இருந்திருக்கு.